करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया तो प्लस टू में आने वाले 10 नंबर के लिए आप रेडी हो गए हो, क्योंकि ये बेस है। और ये बेस अगर आपको समझ में आ गया ना, ये बेस कहां से आएगा? क्वांटम नंबर से। अगर क्वांटम नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गई तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है, आपका पीरियोडिसिटी के ऊपर क्वेश्चन, ऑर्डर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो टॉपिक है आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सो प्लीज बी सीरियस और अच्छे से अटेंशन पे करके इसको समझिए। मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, जो प्रिंसिपल पे बेस है। उस प्रिंसिपल का नाम है अबाऊ प्रिंसिपल। अबाऊ प्रिंसिपल, अबाऊ ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाएगी, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाएगी। ग्राउंड स्टेट कौन था? 1s। इसको भरना कैसे है जरा देखिए कैसे बनाना है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, स्मॉल p लीजिए, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f, 1s कहने का मतलब क्या हो गया? ये किस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं? K की। ये L, ये M, ये N, ये O, ये P, ये Q, यानी एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं मैं। उसके अंदर जो सबसेल्स और में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाने, तो इनको ऐसे चलना है। 1s सबसे कम एनर्जी, वापिस आइए पीछे, ठीक है, वापिस आएंगे 2s आ गया, 1s के बाद 2s में अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2s के बाद वापिस आइए पीछे, पीछे जाना है तो किस में भरे जाएंगे? 2p में, एंड देन उसके बाद 3s में। क्यों? क्योंकि 3 तो किसका है? KLM, M के बारे में आ गया, K की एनर्जी सबसे कम, L की उससे ज्यादा, M की उससे ज्यादा। फिर से वापिस चलते हैं, वापिस चले तो यहां पर आए तो 3p में, फिर से वापिस चले। अगर ऑर्डर याद नहीं होता, ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट आपको सिखाया जा रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग चलती जाएगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग यहाँ पे चलती है। जरा ऑर्डर समझाता हूँ क्या ऑर्डर आया इस डायग्राम से, समझिए। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, देखिए 1s, फिर वो किस गया 2s, फिर उल्टा गया 2p, फिर 3s, फिर उल्टा गया 3p, एंड देन उसके बाद कौन आया? 4s, 4s के बाद कौन आया? 3d, यहां लिख देता हूं 3d, 3d के बाद कौन आएगा? 4p, फिर नीचे की तरफ 5s। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे ऑर्डर, जरा समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। सो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी फॉलोइंग। तो अच्छे समझना, पहले सिंपल पे लेके चलता हूं फिर मुश्किल वाले। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है क्या? ओके, फिर कहता है मुझे लिख के दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फिर कहता है मुझे कॉपर की लिख के दो, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। फिर कहता है मुझे क्रोमियम की लिख के दो, उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो कुछ एक्सेप्शन ले रहा हूँ, कुछ सिंपल वाले ले रहा हूँ, फिर कुछ आप प्रैक्टिस करके देखना। ओके, ये दोनों एक्सेप्शन है, ओके, इन पे स्टार लगा दी। जरा यहां से चलते हैं सोडियम से, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर है क्या? 1s, s के अंदर मैं एक सीरीज बना रहा हूं आपके लिए, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम, ये याद रखना, ठीक है, नजर आ रहा है सबको, नोट कर दे। 1s2 कितना आएगा? 2, क्यों 11, 11 में से 2 हो गए, कितने बच गए? 9, ठीक है। उसके बाद कौन था? 2s2, एस के अंदर तो मैक्सिमम भरूंगा मैं, 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है, 2s2 कितने हो गए? 4,
11 में से 4 गए, 7, 7 बाकी हैं, फिर 2p 6 कितने हो गए, 10, बचा कितना, ओनली 1, 2p के बाद कौन था, 3s2। ओके, देन इसके बाद जरा देखिए नाइट्रोजन z इक्वल टू 7, 1s2, 2s2 बचे कितने, 3, तो 2p में हम 3 कर दो, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 जा सकते हैं, मिनिमम आप 6 से कितना मर्जी कम ले लीजिए उतना हो सकता है। फिर एक और एग्जांपल यहां नहीं है, इसमें लिख देता हूं आपको समझ आएगा, क्लोरीन ले लिए z इक्वल टू 17। ओके, जरा समझ जरा बनाने की कोशिश करो, क्या आएगा 2, वेरी राइट, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 6, 10 हो गए क्योंकि मैक्सिमम तो लेके चल रहे हैं, बचे कितने मेरे पास 7, तो यहां पे क्या आया 3s2, कितने बचे 5, 3p, ये ऑर्डर कहां से है, अबाउ से, ये कौन है लोअर एनर्जी, ये क्या है हायर एनर्जी, तो लोअर से कहां जा रहे हैं हाई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड मैक्सिमम बढ़ते जाएंगे अगर अवेलेबल है, अगर मैक्सिमम अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम भरेंगे। अब जरा चलते हैं एक्सेप्शन पे, कॉपर जेड इक्वल टू 29, बड़ा नंबर है, 1s2, 2s2 सेम चलेगी, 2p6, 3s2, 3p6 देखेंगे नहीं है, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 ही हो गए, 11 बच्चे अभी, ठीक है, 4s2, 3d कितने हो गए 20, अब को 3d8 आया, नहीं ये एक लॉ को फॉलो करता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी को। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एस से ले जाएगा और यहां पे कितने कर लेगा, बोलिए 3d है, 9 था यहां पे, सॉरी पहले 9 था, तो कितने हो गए 3d है, ठीक है, ये 3d नहीं, कितने हो गए 30 हो गए, 29 हो गए भाई, मिल लीजिए 2, 4, 10, 12, 18, 19, 10, 29, तो 29 हो गए। तो 29 कहने का मतलब किसने कौन सा लॉ फॉलो किया, फुल फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है, इस चीज को याद, ये स्टेबल है, इसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन छोड़े, ऐसे नहीं छोड़े। क्रोमियम भी एक्सेप्शन है, जेड इक्वल टू 24, 1s2, 2s2, 2p6 सेम चलेगी, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, 4 की बजाय यहां पे कितने हो गए 5, तो ये किसको फॉलो किया, n का हाफ क्या हो गया 5, तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्या फॉलो करेगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को फॉलो करेगा। जरा एक और एग्जांपल ट्राई मार, बोलिए क्या एग्जांपल दूं, उठा लेते कोई भी एग्जांपल, ओके ऑक्सीजन ले लेते, जेड इक्वल टू 8, ट्राई करिए जरा, बोलो बिल्कुल 1s2 फिर 2s2 4 हो गए, 2p बन गए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या आता है जरा देखिए, ठीक है, इसके अलावा आपके पास आएगा, जैसे मान लो उसने दे दिया कि मेरे को O2 नेगेटिव दे दिया, O2 नेगेटिव में नेगेटिव का मतलब ऐड हो रहे हैं, यानी 2 के बजाय 10 हो गए, यहां पे 8 की बजाय सॉरी 10 हो गए, तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 2p6, ये क्या हो गया फुली फील्ड, ये क्या हो गया फुली फील्ड। ओके, अब वो कहता है मान लो मैं देता हूं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया लॉस, यहां पे क्या हो रहा है लॉस और यहां पे क्या हो रहा है गेन। ओके, दो इसका एटॉमिक मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 लूज करेगा तो कितने रह गए 10, कितने रह गए 10, ये भी क्या बन गया 1s2 2s2, इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। वैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर मैं लिखूं यहां पे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 आएगा, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, कहां से लूज होंगे हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, वहां से लूज हुए बचा कितना 2p6 तक बच गया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज होते हैं, फीलिंग ऐसे होती है, लूज ऐसे होंगे फीलिंग ऐसे होगी, वो अगले चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अच्छे समझ में आई होगी, ट्राई करना घर पे, कुछ और एग्जांपल बुक में दे रखे हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।